है अर्पित, लिंक शेयर कर। चलो अपन स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अभी। ठीक है चलो किया सेंड। ठीक है एक फोन दे दो मुझे, एक खाता कोई किसी का 144 में लगा के। दे दो कोई एक फोन। हाँ ठीक है तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। आप बच्चा आपका क्या क्या हुआ है, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा हुआ है क्या आपका 11th का? कहाँ पे थे आप पहले? अच्छा कोरोना के कारण फिर IIT होम से एकदम यहाँ पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो फिर आपका ये 12th का क्या क्या हो चुका है बच्चा? ला हो सच्ची कैसे ऑनलाइन में हुआ क्या? ग्रेट ला अर्पित दे जल्दी से। नाम क्या बताया आपने? वेदांती। लॉक कौन तू है क्या? लाइक नहीं किया तूने? ओके ठीक है सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 12th दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स राइट। हमने पिछले लेक्चर में पीरियोडिक टेबल का रिवीजन किया था, अभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं ग्रुप नंबर 15 पढ़ाने वाला हूं जो कि आपके 12th के स्टेट बोर्ड के इसमें नहीं है, बट 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू राइट। यानी पूरा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है अगर JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, नहीं तो 15 आपके स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दूसरी बात, अभी आपके पास तीन ऑप्शन है, एक है ना आप NCERT पढ़ो, दूसरा स्टेट बोर्ड पढ़ो और तीसरा रेफरेंस बुक पढ़ो। तो मैं एक बोलूंगा आप NCERT पढ़ो क्योंकि इस बार का जो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसमें जो कंटेंट है वो NCERT के मुकाबले बहुत कम है। हाँ लेकिन पुराने जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो कंटेंट है वो NCERT के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो आपको पुराना पढ़ना नहीं है, नई टेक्स्ट बुक पढ़ना है स्टेट बोर्ड के लिए, और उससे उसको पढ़ो या इसको पढ़ो दोनों को सेम ही है। बट आई विल सजेस्ट NCERT पढ़ो, NCERT की रीडिंग होने के बाद फिर आप स्टेट बोर्ड को पढ़ो राइट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 15 को। तो ग्रुप नंबर 15 में बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। कौन है? बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब बेसिकली ये जो एलिमेंट्स है इनको हम लोग निक्टोजन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निक्टोजन्स। पहली बात देखना, ग्रुप नंबर 15 को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, है ना मृणाल? हम इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं बच्चा, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है ग्रुप का उसके हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, तो उसमें ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हैं। जैसे कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी है ना, तो वैसे ही नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं या इनका दूसरा नाम है निक्टोजन्स। अब इनको हम लोग निक्टोजन्स इसलिए कहते हैं, याद रखना इट्स ऑल अबाउट डेटा, मैं सिर्फ लिखूंगा एक्सप्लेन करूंगा, जो चीज समझ में नहीं वो बताना। निक्टोजन्स क्यों बोलते हैं? ड्यू टू चोकिंग इफेक्ट ऑफ N2 गैस। ड्यू टू चोकिंग इफेक्ट ऑफ N2 गैस। यानी सिंपल है, अगर पूरा ऑक्सीजन हटा दिया जाए या नाइट्रोजन की मात्रा 78% ज्यादा कर दिया जाए तो हम लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी और हम लोगों को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इनको निक्टोजन्स भी बोलते हैं। निक्टोजन्स राइट, ड्यू टू चोकिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस। उसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फरस का कितना होगा? 7+8=15 राइट। आर्सेनिक का कितना होगा? 15+18 बुक्स क्लोज्ड। 15+18 कितना होगा? 33 राइट।
हेल्प मी, 15 प्लस 18 33। हाँ 33 और एंटीमनी कितना होगा? 33 प्लस 18 बताओ, 51 राइट, 33 प्लस 18 51। एंड इसके बाद क्या होगा, इस बिस्मुथ को बताओ क्या होगा, 83। क्या करोगे, 51 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 83। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपना एटॉमिक नंबर कैसे निकालना आपको मालूम है, बाय यूजिंग मैजिक नंबर्स 8, 8, 18, 18 एंड 32 बाय यूजिंग मैजिक नंबर्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो बहुत बेसिक है। हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी हीलियम, कौन खत्म हो गया, 2s2 खत्म हो गया राइट। उसके बाद क्या रहेगा बोलो भाई, 3s2 एंड 3p3। ये हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 ना 2 4 3 7। उसके बाद बात करेंगे अपन फास्फोरस की, एटॉमिक नंबर 15। तो क्या करोगे बोलो, नियॉन 10। अच्छा जिनको ये भी नहीं मालूम उनके लिए देखो फिर से, वेदांत हम लोग एकदम बेसिक से जा रहे हैं, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी हमारा, बस फिजिकल पूरा हो चुका है, ऑर्गेनिक पूरा हो चुका है, सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है, फिजिक्स पूरा बाकी है, फिजिक्स पूरा बाकी है और बायोलॉजी भी खत्म हो चुका है लगभग। आपका एम हो या बी है, एम है। मैथ्स भी बहुत सारा बाकी है, मतलब 70 से 80% मैथ्स बाकी राइट, 50% 60% बाकी है। तो इतना आपके हाथ में है अगर आप रिविजन करना चाहते हो तो, और हमारा सिर्फ इनऑर्गेनिक बाकी है। और आपको फिजिकल केमिस्ट्री अगर स्टार्टिंग से सीखना है तो नीचे एक बैच 2 है जहां पे फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, तो यहां पे इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा तो आप बैच 2 में बैठ सकते हो, वहां पे आपको फिजिकल भी सीखने को मिलेगा राइट। बोलना पड़ता है भी, एडमिशन है, पैसे है। देखो फॉस्फरस नियॉन, हाँ जिसको देखो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कैसा होता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन एंड रेडॉन राइट। दिस इज पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहां पे कौन खत्म होता है, 2p 3p 4p 5p एंड 6p राइट। तो देखो फास्फोरस नियॉन 10 2p खत्म हो गया, 2p का बाद कौन आता है, 3s2 ये 2s2 एंड दिस विल बी 2p3 ना, हाँ फिर कौन आता है, 3s2 और आगे क्या रहेगा बोलो आपका, 3p3 गॉट इट। 10 12 3 15। उसके बाद होता है आपका आर्सेनिक, एटॉमिक नंबर 33। तो कौन आएगा बोलो आपका, अर्गॉन 18। अर्गॉन मतलब 3p खत्म हो गया, 3p के बाद कौन आता है, 4s2 3d10 एंड 4p3। देख लो 18 20 30 33। उसके बाद होता है आपका एंटीमोनी, एंटीमोनी का एटॉमिक नंबर 33 कहा गया, हाँ 51। अर्गॉन के बाद कौन आएगा बोलो आपका, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन मतलब कौन खत्म हो गया, 4p6। आगे कौन आएगा बोलो, 5s2 4d10 एंड 5p3। और लास्ट में आपका होता है बिस्मुथ, इज इट बिस्मुथ और बिस्मत, अच्छा बिस्मत है 83। दिस इज कौन आएगा, ज़ीनॉन ना, ज़ीनॉन 54। बोलो भाई अभी साक्षी बोलो 54। आगे 6 भी खत्म हो गया, आगे बोलो अभी, बुक्स क्लोज गाइस, 5p 1s p d f। जितेन बताओ बच्चा, इतना मैंने एक दिन इतने इलेक्ट्रॉनिक अभी बताओ, ऑब्वियसली ये क्लास 11 का सिलेबस है बट बताओ। चलो लिपिका तुम नीचे क्यों देख रहे हो, बता सकते हो, बताओ फिर प्रांजलि बताओ बच्चा, बताओ साक्षी, छूटे हैं इस तरह से आवाज तक न आए। वेदांती बता सकते हो, करेक्ट। तो यहां पे देखो, देखो आपका ये ज़ीनॉन है तो आपका कौन खत्म हो गया, 5p6 खत्म हो गया ना, 6s2 देन 4f14 देन
5D10 एंड लास्ट में कौन रहेगा बोलो आपका 6P3। करेक्ट, समझ में आया? तो देख लो 54 56 प्लस 1470 80 83, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गए। अब ध्यान से देखना इनके लास्ट शेल, नाइट्रोजन का लास्ट शेल कौन है 2, 2s2 एंड 2p3 मिलके लास्ट शेल बना रहे हैं, तो भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। नियॉन का देखो लास्ट शेल 3s2 एंड 3p3, हाईएस्ट क्वांटम नंबर कौन था, क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता बोला आर्या 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मर जाएगा एलिमेंट। हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट क्वांटम नंबर 4 है ना, तो 4 वाले पकड़ो, डी तो अंदर है, तो कितने हो गए 5। इसका भी देखो कितने होंगे 5, और इसके भी देखो 6p3 एंड 6s2, लुक एट द हाईएस्ट क्वांटम नंबर कितना होगा 5। ये समझे क्या? तो भैया इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। उसके बाद हाईएस्ट क्वांटम नंबर देखो तो क्या रहेगा ns2 और क्या रहेगा बोलो आपका np3। ये क्या हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ग्रुप नंबर 15, ns2 np3। अब हाईएस्ट क्वांटम नंबर लेको बताते हो राइट, और अगर मुझे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या रहेगा बोलो भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, वेरी गुड, लिख पाएगा दैट विल बी ns2np126। ns2 तो सब में कॉमन रहेगा, अगर मैं ग्रुप नंबर 13 में गया तो 2p1 होगा, 14 में 2p2, 15 में 2p3, 16 में 2p4, 17 में 2p5 एंड 18 में 2p6, ns2 सब में रहेगा, तो ns2np126 दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। करेक्ट, अभी चलो नेक्स्ट बताएंगे, साक्षी आप बताना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब क्या। वॉट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जल्दी बताओ, अपने सिलेबस खत्म करना है दिसंबर तक, तो एटलीस्ट केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाए आप लोगों का। तुम लोग तो मतलब ही है, तुम लोग सर अपना मई में एग्जामिनेशन है, टेंशन नहीं आपने को क्या है, तो बोर्ड्स मई में भी है ना, तो मई है, इनका तो अटेम्प्ट है फर्स्ट, आपकी गलती सब कुछ। बोलो भाई व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, कोई बता सकता है, बताओ बताओ, एग्जैक्टली एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1, 2, 13 to 18, इनको क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। याद रखना, मैं शॉर्टकट में लिखूं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर दोस एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल, विच हैव इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल। इनका देखो इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल, सबको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो जिनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है उनको अपन क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में एंटर कर रहा हो, किस में एंटर कर रहा हूं डी सबशेल में, और डी सबशेल आपका इनकम्प्लीट हो, कोई बात नहीं मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट समझ में आ गया क्या है भैया, एस प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट हो। करेक्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट, याद रखना सारा डेटा है यहां पे, कहां लॉजिक है। चलो वेदांत, हम लोग फोटो लेंगे फिर ग्रुप पे पोस्ट करेंगे, आप लोगों को लेना तो आप भी ले सकते हो, फोटो ले लो। जल्दी ले लो, सामने आके ले लो बच्चा, ले लो। दिस रूम इज सैनिटाइज्ड, फर्स्ट
अंजलि बोल रहे थे सर आपने तो बोला था कि आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे, आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे? मैं ऐसे राइट साइड लाइन टू लाइन क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये ना बहुत टाइम लग जाएगा और सारी चीजें एक्सप्लेन करने इतना टाइम नहीं अपने पास, इसलिए अच्छा ऐसे ही पढ़ा लेते। अपना जनरल मेथड इज ऑलवेज बेस्ट मेथड, क्या मैं अलाउ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के दिस इज दिस मतलब ये सारा बनाया बना रहेगा, मैं बनाऊंगा नहीं बोलूंगा ऐसा ऐसा होता है देख लो, फिर 3 मिनट में हो जाएगा काम। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस है जिनमें पीपीटी यूज किया जाता है, बट पीपीटी अपने जगह पे सही है, बट बच्चों की जगह पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है मेरे हिसाब से, थोड़ी बहुत। ओके, तो पी ब्लॉक में अब तक हमने क्या क्या सीखा? पहला, एलिमेंट्स कौन से हैं, उनका एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखना है, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एंड एट द एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, राइट? अभी ग्रुप नंबर 15 को चलेंगे। तो ग्रुप नंबर 15 में पहले बात करेंगे उनके ऑकरेंस की। किसकी बात करेंगे? ऑकरेंस मतलब ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स है कौन से बता वेदांती, कौन से एलिमेंट्स है? मैं लिखूंगा बोलो, नाइट्रोजन, वेरी गुड, फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ये जी एलिमेंट्स है। तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनको बात करना है। तो जो आपका N2 है ना बच्चा, वो होता है बोलो कौन सा गैस? डाई एटोमिक गैस, है ना, डाई एटोमिक गैस। बेसिकली ये कहां पाया जाता है बोलो? एटमॉस्फेयर में। कितना? 78% बाय वॉट? वॉल्यूम बाय वेट, क्या? राइट, 78% बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम इन एयर। मतलब सिंपल है, अगर आपने 100 ml एयर लिया है तो उसमें 78 ml क्यों रहेगा? नाइट्रोजन, एंड बाकी जो एलिमेंट बाकी हो रहेगा अदर गैसेस। उसके बाद जो नाइट्रोजन अगर अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है तो अर्थ क्रस्ट में वो सोडियम बोलो Na3 नाइट्रेट है कि नाइट्राइट है? ये नाइट्रेट है कि नाइट्राइट है? अगर नाइट्रोजन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है तो बहुत महंगा है, तो 5 का रेट चल रहा है, तो -6 +1 तो +5 है ना बच्चा, तो नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है ये, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, सोडियम नाइट्रेट, राइट। और इसको अपन बोलते हैं चाइल पेटर, क्या बोलते हैं? चाइल पेटर, मतलब चाइल नाम का एक जगह है वहां पे मिलता है, इसलिए चाइल पेटर। एक पेटर सॉल्ट का टाइप होता है जो भी, सॉरी रॉक का टाइप होता है जो भी है, बट अर्थ में सोडियम नाइट्रेट के रूप में कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन। इट्स ऑल अवर डेटा। अर्थ में नाइट्रोजन किसके रूप में पाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट के रूप में। उसके बाद होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, राइट? इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अभी जो पोटेशियम नाइट्रेट, इसको अपन क्या बोलते हैं बोलो अंजलि? करेक्ट, इंडियन सॉल्ट पेटर, जो भी है इंडियन सॉल्ट पेटर, मतलब इंडिया में पाया जाता है सॉल्ट एंड साल्ट पेटर, इज द टाइप नेम ऑफ रॉक या नेम ऑफ जो भी है, इंडियन सॉल्ट पेटर, पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद जो आपका नाइट्रोजन है बेसिकली किसमें होता है? अमीनो बोलो भाई, एसिड्स, उसके बाद प्रोटीन्स, एंड लास्ट में कौन सा बोलो आपका? विटामिन्स या वाइटामिन्स। ये तो हमने सीखा था, दैट इज ऑल अबाउट ऑकरेंस ऑफ नाइट्रोजन, है ना। उसके बाद P4 की बात करेंगे। बताओ फॉस्फरस की एटोमिसिटी क्या है? तुमको केमिस्ट्री किसने पढ़ाया बे? फॉस्फरस की एटोमिसिटी क्या है? एग्जैक्टली 4, करेक्ट। तो ये कौन हो गया? टेट्रा, टेट्रा एटोमिक सॉलिड है ये, कौन है? टेट्रा एटोमिक सॉलिड, राइट। ये भी ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अर्थ क्रस्ट, इन द फॉर्म ऑफ पेटाइट फैमिली, ओर का नाम है। ओर क्या होता है बच्चा? सीखा होगा आपने पेटाइट, ओर का मतलब क्या होता है? सपोज आर्या है ना, किसी जगह पे मिल रही है तो उस जगह में आर्या का कंटेंट ज्यादा है, तो उस जगह का नाम सपोज चुंगचुंग है, तो चुंगचुंग इज एन ओर ऑफ एन आर्या, got it? Or मतलब or is the part of earth from which क्या बोलते इसको elements can be extracted, right?
ये अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेप्टाइड फैमिली, ऊपर से ना ये भी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल में पाया जाता है, मतलब ये भी पाया जाता है आपका किसमें, प्रोटीन्स में, ये भी आपके प्रोटीन्स फिटीन्स में पाया जाता है, ठीक है ना। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछते हैं। उसके बाद आर्सेनिक बोलो कौन है, ये भी कौन हो गया बोलो आपका, टेट्रा एटोमिक सॉलिड, ये भी कौन है, टेट्रा एटोमिक सॉलिड। उसके बाद एंटीमोनी, ये भी बोलो कौन है भाई, टेट्रा एटोमिक अगेन सॉलिड। इतना क्यों डर रहे, पढ़ के नहीं आते हो क्या। बिस्मुथ ये है मोनो एटोमिक सॉलिड, गॉट इट। बाकी के ऑकरेंस आपको पढ़ना पड़ेंगे, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, पूछने वाले ये रहे, गॉट इट। तो हमने ऑकरेंस में देखा नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है, 78% बाय वॉल्यूम इन एयर पाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट नाइट्रेट चाइल्ड पेटर एंड पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन सॉल्ट पेटर, गॉट इट। ये फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ये सारे टेट्रा एटोमिक सॉलिड्स है, एंड बिस्मुथ कौन है आपका, मोनो एटोमिक सॉलिड। इसमें जो रेडियो एक्टिव है वो कौन है, बिस्मुथ, जो भी एट द बॉटम पे रहते हैं वो कैसे, रेडियो एक्टिव, गॉट इट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ले लो। मैं जो पढ़ा रहा हूं ये ओपन अटेंडेंस से पढ़ा रहा हूं आज का कंटेंट, अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन रीड एनसीईआरटी, यू कैन रीड एनसीईआरटी। हो गया वेदांती, आप किसकी फ्रेंड हो, किसी की भी नहीं है। देखो क्या इंस्टीट्यूट, बच्चे इंस्टीट्यूट का नाम सुन के आते, ये बात ले लिया भाई। चलो छोटे हैं इस तरह से आवाज तक ना आए, ओके। तो ऑकरेंस होने के बाद अभी जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्या स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखो बेसिकली ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP3, है ना। तो पहले मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दैट विल बी हीलियम 1s2 2s2 1s2, हाँ दैट विल बी 2s2 and 2p3। अभी मैं इसको डब्बा मॉडल में बनाऊंगा, हीलियम दैट विल बी 2s2 ये रहा और ये रहा 2p3। अब देखो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3 2 5 3 8। तो भैया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज करता है फ्रॉम -3 to +5, फ्रॉम -3 to +5। मतलब पांचों के, मैं समझाऊंगा, आपका नाम है तनुश्री जी 7, दैट विल बी 2.5, ये सही रहता है समझने, 3 ले सकता है ऑक्टेट पूरा हो सकता है, पांचों के 5 2 दे भी सकता है, मतलब देता नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एकदम से इलेक्ट्रॉन देना नहीं लेना नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो एक चार्ज होता है जो सीडो चार्ज होता है, मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर से रुकना। नाइट्रोजन 2.5 ऑक्सीजन स्टेट रेंजेस फ्रॉम -3 to +5, यानी देखो ऐसा हो सकता है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and 5, नाइट्रोजन इतने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। जैसे यहां पे NH3, जब भी आपका हाइड्रोजन नॉन मेटल को अटैच हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो यहां पे कितना हो गया हाइड्रोजन +3, तो नाइट्रोजन क्या हो गया -3, गॉट इट। उसके बाद मैंने लिखा NH2 NH2, ये कौन है, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन +2 -2, हाइड्रोजन का +1 है मालूम है ना, तो इसका +1, 2 into +1 +2, और ये कौन हो गया -2, गॉट इट। हाइड्राजीन में -2 है, मैंने लिखा NH2OH, इसका नाम ऑर्गेनिक किसके से लगाया है, हाइड्रोक्सिलामीन। देखो +2 +1 -2 -1, ओवरऑल जीरो करना है ना, +2 +1 +3 -2 -1 -3, जैसे मैंने यहां पे बात की N2, खुद से खत्म हो रहा है N2, राइट। जैसे मैंने यहां पे बात की N2O, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 -2 +2/2, दैट इज इक्वल टू 1,
उसके बाद मैंने बात की एनओ, सुना तो होगा आपने, -2 + 2, उसके बाद होता है अपना 3 बनाना इसको, N2O3, चलेगा N2O3, 3 × -6 + 6, 6/2, दैट इज इक्वल टू 3, एंड लास्ट में रहेगा N2O4, बोलो भैया हो गया क्या, 4 × 8, 8/2, दैट इज इक्वल टू 4, एंड लास्ट में कौन रहेगा, N2O5. आप सोच रहे हो सर ये कैसे बना, राइट ये बना क्या रही है, -10, 10/2, दैट इज इक्वल टू 5. ये आप इको याद नहीं रखना है, लॉजिक से बनता है. सपोज मिस नाइट्रोजन है ऑक्शन, मुझे नाइट्रोजन किस में बनाना है, +3 में, तो ये +3 होता है, ये -2 होता है, N2O3. नाइट्रोजन ऑक्शन मुझे इसको +5 में बनाना था, ये -2 होता है, N2O5. नाइट्रोजन ऑक्शन ये निकल से इससे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये इसको मुझे -3 कितना बनाना था, +2 बना, कितना 4 बनाना है, तो इसको क्या 4, और ये इसको कितना बना, कितना होता है 2, तो क्या करोगे N2O4. करेक्ट, दैट्स नॉट अ बिग डील. इस प्रकार मुझे कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन शोज वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम -1 to +5, और केवल अकेला नाइट्रोजन है पूरे ग्रुप नंबर 15 में जो इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. गॉट इट. उसके बाद नाइट्रोजन के बाद कौन होता है, फास्फोरस, है ना, बेसिकली आपका फास्फोरस जिसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है और 5 है, +3 and 5, कभी कभार वो -3 भी दिखा सकता है, राइट, ऐसा -3, 3 and 5. उसके बाद आपका जो आर्सेनिक है उसका भी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट 3 and 5 है, उसके बाद एंटीमोनी है उसका भी 3 and 5 है, एंड बिस्मूथ है उसका कितना है 3. समझ में आया क्या, ये कॉमन ऑक्सीजन स्टेट्स है. मैंने क्यों बोला, देखो 3 देखो, क्यों 3 दे दिया तो NH2 हो जाता है, और 3 ले लिया तो NP6 हो जाता है ना. तो देखो नाइट्रोजन शोज वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम -3 to +5, एंड बाकी जो एलिमेंट्स है उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3, 5, 3, 5. इसमें से क्वेश्चन नहीं आते बट पता होना चाहिए कितने आते हैं, 3, 5, 3, 5. अब यहां पे एक बात होती है, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू विच इफेक्ट, बोलो, वेरी गुड, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. बहुत सही, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. स्क्रीनशॉट ले लो, समझा रहा हूं, ले लो. मेरे हिसाब से वही मेथड सही रहेगी, ये ब्रो. अभी तक रटने जैसे मैंने क्या पढ़ाया, कुछ भी नहीं, एक बस ये रखना है तो NNO3 एंड आपका KNO3, इनके नाम मैच द पेयर्स में आ सकते हैं, बाकी रटने जैसा कुछ भी नहीं था. क्या ये रटने जैसी चीज है, नहीं. NH3 पता होना चाहिए, ये दो चीजें आप निकाल सकते हो, और ये याद रहता रहा, नहीं तो सिंपली याद रखना ग्रुप नंबर 15 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, 3 and 5. Got it? अच्छा, अभी मुझे आपको समझाना है इनर्ट पेयर इफेक्ट. वैसे तो मैं समझा चुका हूं बट आपको ऐसे कहीं पे लग भी नहीं रहा, सर ने कभी इनर्ट पेयर इफेक्ट की जिक्र भी किया था, कोई बात नहीं, इट्स ओके. ठीक है, कब से पूछा हुआ है सर, बता भी दो अब क्या पूछा. दिसंबर तक सौरभ मिश्रा आपका भाई ऑनलाइन, मिश्रा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिसंबर तक खत्म होगा. ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, अभी मैं आपको समझा रहा हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, देखो मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, NH2
NH2 एंड मैंने मान लिया NP3, है ना बच्चा, या मैंने लिखा ऐसे NH2NP2, या मैंने लिखा ऐसे NH2NP1, ऐसे मैंने लिखा। अब होता क्या बच्चा, जैसे मैंने नाइट्रोजन की बात की, दैट इज व्हाट 1s2, आगे आराम से 2s2 एंड आगे कौन है 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वाले हैं, मतलब इन सब ने इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड फॉर्मेशन में चल लेना पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेना चाहिए, राइट। जैसे मैंने बोला बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना है साक्षी, 5, थैंक गॉड 5 है, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p1, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, सो दिस 3 इलेक्ट्रॉन शुड टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बट होता क्या है, कुछ कारणवश केवल है ना पी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, एस इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, मतलब इसका जो पेयर है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आया क्या, दिस अनअवेलेबिलिटी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एस इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं लिखूंगा यहां पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एस इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये होता क्यों है मैं समझाना चाहूंगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो मैं आउटलाइन बना रहा हूं अपने पीरियडिक टेबल की, देखते रहना, है ना, ये आउटलाइन है कि नहीं, आउटलाइन है ये, दिस इज आउटलाइन, राइट। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना जरूरी है आपको, देखो ये नाइट्रो, यहां पे मैंने लिया बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला ले लिया हम लोगों ने। अब देखो बोरॉन एल्यूमिनियम में स्क्रीनिंग कौन कर रहा है, एस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम में स्क्रीनिंग कौन कर रहा है, चल बे ऐसा हो जा, ठीक है, हाँ, बोरॉन में एस इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहा है, एल्यूमिनियम में कौन स्क्रीन कर रहा है, एस इलेक्ट्रॉन्स। गैलियम में कौन आ गया, डी, इंडियम में कौन आ गया, डी, थैलियम में कौन आ गया, डी प्लस एफ। आई होप यू नो दी अबाउट पीरियोडिक टेबल, कि वहां पीरियोडिक टेबल लाना जरूरी है। देखो बोरॉन में एस इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं, एल्यूमिनियम में आपके एस इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं, गैलियम में डी, इंडियम में डी, थैलियम में डी। अभी देखो मैं इनका जनरली फटाफट बता दूंगा, देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेंगे, दैट विल बी, चलो हेल्प करो मुझे, हीलियम बोलो भाई, दैट विल बी 2s2 एंड 2p1। एल्यूमिनियम देखो 13, दैट इज हीलियम 3s2 3p1, गॉट इट, नियॉन हो गया। उसके बाद गैलियम में आइए, जो भी का दैट विल हीलियम नियॉन आर्गन ना, आर्गन देखो 4s2, उसका देखो 3d आएगा 3d10, और आगे कौन रहेगा बोलो आपका 4p1, देख रहे हो क्या। उसके बाद देखो गैलियम के बाद कौन है, इंडियम, एट हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, दैट विल बी 5s2 4d10 एंड 5p1। समझ जाना मैं कैसे कर रहा हूं। एंड लास्ट में कौन है आपका, थैलियम, जीनॉन, राइट, जीनॉन 54, 6s2 4f14, 5d10 एंड कौन रहेगा 6p1। देखो यहां पे एस स्क्रीन कर रहा है, बट यहां पे अभी कौन आ गया, डी इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीन, और यू शुड नो स्क्रीनिंग इफेक्ट में स्ट्रेंथ किसका होता है सबसे ज्यादा, एस का, देन पी का, देन डी का एंड देन एफ का, एस का, देन पी का, देन डी का एंड देन एफ का। यहां पे एस इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे अभी देखो यहां पे डी आ गए, तो डी में 10 डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब 10 प्रोटॉन्स आ गए, तो इन्होंने इस एस इलेक्ट्रॉन को एकदम पक्का पकड़ के रखा, तो एस को जाने नहीं दे रहे, तो भैया अनअवेलेबल हो गए ना, यहां पे डी आ गया, तो डी ने इस एस को पक्का पकड़ के रखा, थामा वो दल वदरी पूरे अपने सगड़े। देखो ये रहा एस और ये रहा पी,
राइट। न्यूक्लियस का काम है किसको इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन जाने देना, किसको नहीं जाने देना, न्यूक्लियस के हाथ में। अभी देखो इनके लिए कौन है, बैंगन आलू के लिए एस और पी आराम से जा रहा है। जैसे में गैलियम आएगा ये रहा एस, ये रहा पी, बस बीच में डी आ गया और डी के 10 प्रोटॉन आ गए और डी का शेप जो डी का जो शेप है वो डिफ्यूज शेप है, डी कम स्क्रीन करता है, मतलब न्यूक्लियस ज्यादा पहुंच पा रहा है इसके तक और ज्यादा पहुंच पाए इसको पकड़ के रखते हैं, एस एन अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद देखो डी एंड एफ आ गए, करेक्ट। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, बोलो कब का, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखो यहां पे, देखो यहां पे ये तीनों हिस्सा लेंगे तो इनका ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगा, तीन और तीन। यहां पे देखो ये आ गया ना, ये दिखाने को तीन दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ में अगर नहीं आया तो वन भी दिखा सकता है। लेकिन थैलियम में कौन आ रहा है, बोला आपका एस भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। तो थैलियम की स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, प्लस वन। दिखाने को तो वो अंजलि गुप्ता प्लस थ्री भी दिखा सकता है, बट उसका स्टेबल कौन सा रहेगा, प्लस वन, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये सिक्स एस अवेलेबल नहीं रहेंगे और ये सबके लिए लागू होगा। अगर मैं इसमें जाऊं नाइट्रोजन फैमिली में जाऊं तो ये रहा नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, तो यहां पे सिर्फ तीन तीन हो जाएगा, राइट। यहां पे सब क्या हो जाएगा, तीन तीन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए तीन दो पांच अवेलेबल रहेंगे, इनके लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और बॉटम वाले के लिए तो और अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, गॉट इट। तो इसलिए याद रखना मेरा बच्चा कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फाइव ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मुझे बोलो जो बिस्मुथ है उसका स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट कौन सा रहेगा, प्लस फाइव प्लस थ्री, प्लस थ्री, प्लस थ्री ना, तो प्लस वन बोली मैंने, ग्रुप नंबर 13 सिखाया, मैं 15 सिखा रहा हूं, राइट। पहले 15 खत्म करेंगे, आप बराबर बोले, इधर थैलियम में प्लस वन है, इसके लिए प्लस टू, इसके लिए प्लस थ्री। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फाइव ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो भैया जो बिस्मत है उसका प्लस थ्री इज मोर स्टेबल, इनके लिए तो प्लस फाइव प्लस थ्री दोनों भी चलते हैं, गॉट इट। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस पूरे इसका सारांश क्या है, प्लस फाइव का स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे गिरता है ड्यू टू व्हाट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सारी चीजें आपको याद रह ही नहीं सकती, मेन मेन चीज याद रखना। वेदांती मजा आ रहा है क्या, आपकी आंखें नहीं बता रही, लेकिन हाँ बच्चा आंखें नहीं बता रही आपकी, मिटाओ ठीक है। छोटे हैं इस तरह से आवाज तक, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन से हैं, उनका एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, उसके बाद उनका ऑकरेंस, नाइट्रोजन गैस है, बाकी टेट्रा एटॉमिक सॉलिड्स है एंड बिस्मूथ आपका मोनो एटॉमिक सॉलिड है, बिस्मूथ एक रेडियो एक्टिव है, कौन कैसे एग्जिस्ट करता है वो एंटर नहीं करता। उसके बाद हमने सीखा ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिकली नाइट्रोजन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इट कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम -1 टू +5, है ना। उसके बाद कर नीचे को जो एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है और उसके कारण वो बेसिकली 3 और 5 दिखाना पसंद करते हैं। तो इन शॉर्ट ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स का कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 3 और 5, गॉट इट। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फाइव ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब एक क्वेश्चन आता है अपने पास, PCl5 exist but NCl5 does not। तो बताओ कैसे, what is the reason? Very good तनुश्री, शाबाश, समझ गए। चलो आगे चलते फिर अपन। देखो यहां पे अगर मैं देखो लिखूंगा नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, देखो ध्यान से 1s2 2s2 एंड 2p3, करेक्ट। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है कि भैया 2d नहीं होता, थोड़ा सा मैं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर लगाना चाहूंगा यहां पे। इफ n इज इक्वल टू 2
दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल इज इक्वल टू 0.1 है ना। तो भैया एल जीरो मतलब एस हो गया, एल वन मतलब कौन हो गया पी, तो टू में कौन से सबसेल्स है, 2s and 2p राइट। अगर मैंने n इज इक्वल टू 3 लग दिया तो l कैन बी 0.1.2 तो यहां पे कौन से सबसेल है, 3s 3p and 3d got it। यानी सिंपल है, मैंने अगर n इज इक्वल टू 4 लिख दिया तो आप समझ जाएंगे कौन से है, 4s 4p 4d and 4f ये सबसेल्स है। तो याद रखना जब n इज इक्वल 2 है तो d वैकेंट ऑर्बिटल्स रह ही नहीं सकते क्योंकि उसमें पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मैं n इज इक्वल 3 में जाऊंगा तो वहां पे वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पीरियड 2 एलिमेंट्स में वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है, पीरियड 2 क्योंकि शेल नंबर 2 तो उनका वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है। पीरियड 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है उनमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो होता क्या बच्चा, मैं नाइट्रोजन का डबल मॉडल बनाऊंगा, 1s2 की बात नहीं करेंगे, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p3 got it। अब मैं फास्फोरस की बात करूंगा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियॉन 10 राइट, नहीं सॉरी नियॉन 10 ना, नियॉन 10 का आर्गन 18 नियॉन 10, उसके बाद कौन रहेगा 2p खत्म हो गया, उसके बाद कौन रहेगा 3s2, डबल मॉडल बनाओ डायरेक्टली, दिस इज 3s2 आगे कौन रहेगा 3p3 है ना बच्चा, और आगे कौन रहेगा बोलो 3d0 वेकेंट डी है ना उसके पास 3d0 राइट। बॉन्ड बनाना है तो भैया इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए जगह होनी चाहिए, तो ये मैक्स टू मैक्स कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, एक यहां पे और 3 यहां पे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मैक्सिमम कितने बनाएगा 4, क्योंकि नाइट्रोजन की ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। आपने कभी बचपन में सुना भी होगा नाइट्रोजन ऐसे बनाते थे हम लोग ऐसे, और यहां पे +1 फॉर्मल चार्ज होता था NH4, हम लोग NH5 कभी नहीं बनाए। तो भैया पीरियड 2 की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 4, मैक्सिमम कोवेलेंसी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता राइट। बट देखो इनके मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 1, 4 and 5, 9 ना, मतलब ये तो बहुत सारे बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि इनके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। आप देखो मेरे बच्चा, अगर मुझे PCl5 बनाने हैं तो फास्फोरस के पास 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि फास्फोरस अपना एक देगा और क्लोरीन अपना देगा तो 5 बनेंगे, तो क्या करेगा ये यहां से उड़ाएगा यहां पे डी में, तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं, तो PCl5 बना सकता है साला, इसको 5 बनाने तो उड़ा ही नहीं सकता ये, है ना, 3 ही बॉन्ड बनेंगे, ये तो नेगेटिव बॉन्ड है हमेशा क्योंकि ये पूरा के पूरा देगा। काय साक्षी कस रे बाबा तुझ, कस व्हायचं तुझं, हा लोन पेयर है, हा एच प्लस है, ये तो हो गए 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड, इसने शेयर किया, बट ये कौन सा एडिटिव बॉन्ड, गॉट इट। तो याद रखना NCl5 बनाने के लिए आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म्स NCl5 बट फास्फोरस फॉर्म्स, गॉट इट ब्रो। आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि NF3 स्टेबल है बट आपका Ni3 या NCl3 या NBr3 अनस्टेबल है, बताओ क्यों, एग्जैक्टली एटॉमिक साइज, नाइट्रोजन छोटा है ना और फास्फोरस भी छोटा है, साला फ्लोरीन भी छोटा है तो रह सकता है, बट नाइट्रोजन तो छोटा है, क्लोरीन बड़ा है साला, तो स्टेरिक रिपल्शन होगा, आयोडीन तो और बड़ा है तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन एंड बिगर साइज ऑफ हैलोजन, Ni3 NCl3 एंड NBr3 आर अनस्टेबल एंड NF3 इज स्टेबल, तो नाइट्रोजन का कौन सा हैलाइड स्टेबल है, NF3 ड्यू टू साइज, समझ में आया, लेकिन PCl3 भी स्टेबल है, PCl5 भी स्टेबल है, PBr3 स्टेबल है, PBr5 अनस्टेबल है। अच्छा तुम्हारे को मैंने सिखाया था हैलोजिनेशन में, हैलोजन डेरिवेटिव एल्केन एंड एरिन में, मैं 80% चीजें 70% चीजें ऐसे सिखाने वाला जो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, बस तुम जोड़ने आना चाहिए, तुमको जोड़ना आना चाहिए, दैट इज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जोड़ने आना चाहिए तुमको। देखो ब्रो हमने सीखा था PCl3 स्टेबल है,
PCl5 स्टेबल है, PBr3 स्टेबल है, बट PBr5 अनस्टेबल है, साइज बढ़ गई ना। उसके बाद PI3 स्टेबल है, बट PI5 डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है क्या? बट हमने कभी NCl3 PCl3 बनाया क्या? हमने हमेशा रेड फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन लिया, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन लिया, हमने रेड नाइट्रोजन प्लस कुछ लिया क्या? नहीं। गॉट इट? तो दो क्वेश्चन हो गए, व्हाई NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। आया समझ में? ओके ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। टूटे ही दिल इस तरह से आवाज ठुकना है। कुछ ऐसा अलग लग रहा है क्या? केमिस्ट्री जैसी केमिस्ट्री है, एक्सेप्शंस आएगा? नहीं आया ना, अभी टाइम है उसके लिए। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हार्डली 4 से 5 एक्सेप्शंस है। उसको लेकर रोएंगे, रोने वाले तो अलग बात है, उसको लेकर रोने वाले तो अलग बात है। जैसे नेम रिएक्शंस है, वैसे एक्सेप्शन एक पेज पे लिख लिया तो फिर क्या मरता? रोज पढ़ने का, उसको हो गया ना काम खत्म। ऑर्गेनिक से तो आसान ही, इनऑर्गेनिक ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या? हाँ भी, इसमें क्या कंफ्यूजन है? नहीं होगा बच्चा, क्योंकि मैं NCERT में से लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा ना, तो आपके पास ऐसे रहेगा, अच्छा ये पढ़ा था सर ने, इसका एक्सप्लेनेशन ये था। बट देखूंगा मैं अभी कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हो तुम लोग, राइट? हाँ तो ये हो गया। आपने तो क्या क्या पढ़ा अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, बोलो? सारी चीजें याद रखना जरूरी नहीं, आपको सारी चीजें याद हो जरूरी नहीं, जस्ट रीड लाइक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ो भूल जाओ। बस कभी कभार कुछ जिक्र होता है, अरे यार तुमको मालूम है क्या वो कोरोना का इतना इतना, तब हमारे दिमाग क्लिक होता था, क्लिक होता है ना, सेम ऐसा होना चाहिए। रीड NCERT, फॉरगेट इट, जब क्वेश्चन आए तब क्लिक हो गया, बहुत हो गया। नहीं तो अगर अंजलि आप ऐसी उम्मीद रखते हो कि पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट मुझे याद होना चाहिए, हो सकता है, बट मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगी। पूरा मतलब ऐसा मुझे याद हो, अच्छा पहले हमने एटॉमिक नंबर लिखे, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर उसका हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन स्टेट लिखे, फिर ऑक्सीजन स्टेट कैसे वैरी करता है वो सीखा, फिर हमने इनर पेड इफेक्ट सीखा। ऐसा करोगे तो बहुत टाइम लगे, मतलब इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैंने बोल लिया फटक से कि भैया बताओ नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NCl5, क्लिक हो गया, खत्म है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ बिस्मुथ, क्लिक हो गया, बहुत है ना। तो मैं वही बोल रहा हूं कि क्लिक हो गया तो बहुत है, क्लिक हो गया तो बहुत है। हार्डली तो 18-20 तो क्वेश्चन पूछते हैं नीट में, 18-20 में से तो कम से कम 4 तो केमिकल बॉन्डिंग से आते हैं, 2 तो पीरियोडिक टेबल से आते हैं, बाकी यहां से आते हैं मिला के। ऑर्गेनिक कम पूछते हैं मालूम है ना आपको, नीट में ऑर्गेनिक के हार्डली 15 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी बहुत लो लेवल के रहते हैं। फिजिकल के भी हाँ 20 के पास रहते हैं, 18-20 के पास रहते हैं, उसमें भी ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, फॉर्मूला डाला आंसर आया, राइट? सर अब एकदम से पार्टी कैसे शिफ्ट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है चलो। अभी अपन सीखने वाले नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 15, मालूम होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, राइट? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक वॉल्यूम किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा ना, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रही है, एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, राइट? व्हाट इज एटॉमिक वॉल्यूम? एटॉमिक वॉल्यूम की परिभाषा क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट volume of 1 mole atoms of an element is called as atomic volume. समझे क्या?
अगर तुम ये सोच रहे होंगे कि साला ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा ऑर्बिट, ये रहा ऑर्बिट, इसके अंदर की जो खाली जगह है वो एटॉमिक वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम नहीं, समझे क्या? तो तुम तो यही लॉजिक लगा, देखो ये छोटा है तो इसके अंदर खाली जगह कम होगी, ये बड़ा है इसके अंदर खाली जगह ज्यादा होगी, तो ये एटॉमिक वॉल्यूम है। ऐसे लॉजिक से काम बनता है, पर इसकी डेफिनेशन अलग है। वॉल्यूम ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक वॉल्यूम। मतलब सिंपल है, एक्चुअली क्या है ना प्रणव, सपोज मैंने लिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है उसके एटम्स है, नाइट्रोजन एटम्स कितने लेना पड़ेंगे मुझे, वन मोल, और उनका जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या रहेगा, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, समझ गए? तो याद रखना यहां पे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जनरली, बट यहां पे पहला एक्सेप्शन, जनरली एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है, ये पहला एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का एटलीस्ट एक नया पेज बना लेना, है कि नहीं? ऐसे मैंने बोला था नेम रिएक्शन का एटलीस्ट कुछ कर लेना, एक पेज बना लेना, जो भी करना है, क्या एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ फास्फोरस इज मोर देन आर्सेनिक, इज मोर देन आर्सेनिक, देख लो नाना पाटीकर ऐश्वर्या सब बिंदास, बोलो ट्रेंड के हिसाब से किसके ज्यादा होना चाहिए था आर्सेनिक, पर किसके ज्यादा है, तो लॉजिक लगाओ क्यों, याद रखना फास्फोरस एंड आर्सेनिक आर टेट्रा एटॉमिक हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन देम, है ना? देखो फास्फोरस ऐसा होता है बच्चा, ये फास्फोरस है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, तीन, वैसे फास्फोरस भी तीन बनाएगा, ये देखो लोन पे देख रहे हो लोग, है ना? सेम आपका जो आर्सेनिक है वो भी सेम ऐसा होता है, समझ जाना ऐसे ही होता है, तो दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बट देखो वी नो बिगर द साइज ऑफ एन एटम मोर इज द वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो किसका साइज ज्यादा है, आर्सेनिक का, तो इसमें वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है जिसके कारण ये नजदीक आ जाते हैं, और इसलिए इसका एटॉमिक वॉल्यूम किससे कम हो जाता है, फास्फोरस के मुकाबले। हाँ नहीं, एक्सेप्शन है ना, तो इसका एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने की अपनी ये कोशिश है, समझे क्या? हाँ एग्जैक्टली, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटली चीज देखी जाती है, फास्फोरस में भी जो एटम्स है उनमें कोवेलेंट बॉन्ड है, आर्सेनिक में भी एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड्स है, बराबर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फास्फोरस में कम वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आर्सेनिक में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए वो नजदीक आ गया, उसलिए ये हो गया, समझे क्या? है ना? दूसरी बात आप ऐसे भी लगा सकते हो, समझे क्या? लाइव बंद हो गया, लाइव कैसे बंद होगा, ये बंद नहीं होता, लेवल नहीं होता, ये जादू है इसमें। तो याद रखना एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ फास्फोरस इज मोर देन दैट ऑफ आर्सेनिक बिकॉज आर्सेनिक हैज मोर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू फास्फोरस। क्लियर हो गया? दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने देखना है, हमने बात करनी है नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, तो अब बेसिकली देखो फास्फोरस ऐसा पी सिंगल बॉन्ड पी होता है, आर्सेनिक ए एस सिंगल बॉन्ड ए एस होता है, एंटीमोनी सिंगल बॉन्ड एंटीमोनी होता है, तो आपका नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन क्यों नहीं होता? तो यार उल्टा सोचो, ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं बनाते साले, समझे क्या? ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं बनाते? सिंपल, ये सिंगल बॉन्ड है साले, ये सिंगल बॉन्ड के रूप में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, समझे कि मेरी बात को? बताओ। करेक्ट, वेरी सिंपल। देखो नाइट्रोजन छोटा और ये नाइट्रोजन छोटा बॉन्ड बन गया, और इन पे लोन पे होते मालूम है ना, तो लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा,
इससे सिंगल बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन फॉस्फरस बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है ना मेरा बच्चा, तो भैया लोन पेयर में रिपल्शन क्या है, कम। एंटीमोनी और बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो लोन पेयर रिपल्शन क्या है, कम। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन रहा तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सिंगल बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है। और ऊपर से नाइट्रोजन क्या बनाना पसंद करता है, मल्टीपल बॉन्ड टू अटेन स्टेबिलिटी। मैं अभी पूरा बताया ही नहीं, मैं तो अभी पूरा बताया, मैंने पूरा बताया नहीं, सी ये कल बताऊंगा सर, डिले हो रहा है, हो रहा है, ठीक है मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। एक बात हिंट दे रहा हूं, देखो नाइट्रोजन इज गुड इन फॉर्मिंग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड पी ऑर्बिटल्स। ये फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी आर गुड इन फॉर्मिंग पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स या डी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स ड्यू टू देयर बिगर साइज एंड डिफ्यूज्ड डी ऑर्बिटल्स। इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इनमें डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो इनका शेप कॉन्सेंट्रेटेड पी का, तो साला पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। और इनमें क्या रहेगा, डी पाई या डी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। मैं कल समझाऊंगा डिटेल में, कोई टेंशन ना लेना, आज जाके पढ़ना एनसीईआरटी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कल से वहां पे पढ़ाऊंगा, मतलब तुमको लगे यार सर ने पढ़ाया। अभी क्या होता है ना, मैं समझाना चाहूंगा, मैं यहाँ के पढ़ाते सर निकल जाता हूँ, बट जब आप लैंग्वेज पढ़ते हो ना तो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती। तो हम लोग कल से क्या करेंगे, वी विल कीप एनसीईआरटी देयर, आई विल रीड दैट स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन इट, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा और आपके पास नोट्स भी बन जाएंगे आयते सोईते। बोल तू, बोल ना, तो अभी बाटली फेंक के मारूंगा तेरे को। थैंक यू गाइस। क्या बोले स्टार्टिंग में, क्या एक्चुअली क्या है ना, क्या बोलते इसको, बायोलॉजी से नहीं बना सकते, फिजिकल को तो नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को बना सकते अपन, डिपेंड करता मेरे क्या बोलते इसको सहन शक्ति को, कितना मैं सहन करूंगा।